मंडेला के घर के सामने ये डांस होता है, एक कन्वेंशनल डांस है जो यहाँ पे वेलकम डांस इसको कहा जा सकता है। तो मैं नेल्सन मंडेला के घर के सामने जोहान्सबर्ग में इसको खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक अफ्रीकन ट्रेडिशनल डांस चल रहा है। मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा मैं वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन अभी दूँगा। और अल्टीमेटली एक अजीम आदमी जिसने पूरी दुनिया की थिंकिंग को चेंज कर दिया, नेल्सन मंडेला, उसके घर के सामने हम खड़े। हम नेल्सन मंडेला के घर की तरफ जा रहे हैं और ये एक लोकेलिटी है जिसमें ब्लैकिश लोग बहुत ज़्यादा हैं। बहुत पहले जब नस्ली फसादात यहाँ पे होते थे जोहान्सबर्ग में, उस वक्त ये जो पोर्शन था शहर का ये सिर्फ कालों के लिए मुख्तस था। यहाँ सिर्फ काले रहते थे और यहाँ पे कोई गोरा नहीं होता था और इन लोगों को गोरों के इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर फसादात और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। तो ये वो इलाका है जिसके आखिर में नेल्सन मंडेला का घर है, जहाँ पे मैं आपको लेकर जाऊँगा। तो ये वाला पोर्शन आप देखिए, इसमें मैक्सिमम ब्लैक नज़र आते हैं आपको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे तकरीबन 200 ईयर से जोहान्सबर्ग के अंदर इस इलाके को कहते हैं सवेटो, और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है सवेटो, इस इलाके को कहते हैं सवेटो। दूसरे जोहान्सबर्ग में और इस इलाके के जोहान्सबर्ग में आपको वाज़े फ़र्क आज भी नज़र आ रहा है। तो ये वाइट एंड ब्लैक का फ़र्क है जो मेरा ख्याल है दुनिया में शायद ही ख़त्म हो सके। या गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट्स चली जाती हैं, सिस्टम आते हैं, सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं, इक्तदार के फेजेस बदलते रहते हैं, लेकिन जो ब्लैक और वाइट का फ़र्क है वो ख़त्म नहीं होता। शायद कुदरत ने DNA इस टाइप का बनाया कि वो जो DNA है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। स्वेटो से होते हुए हम नेल्सन मंडेला के कदीम पुराने घर में जाएंगे जो जिसको अब म्यूजियम बना दिया गया। डॉक्टर काशिम मुस्तफा साहब मेरे साथ हैं, ये मेरे ट्रैवलर फ्रेंड हैं, कमाल हैं, और ये शहबाज चौधरी साहब हैं यहाँ पे, ये कमाल शख्सियत हैं। आप ये समझें कि ये साउथ अफ्रीकन हो चुके हैं और नेल्सन मंडेला की फैमिली, उन्होंने इनको अपना साहबजादा बेटा बनाया हुआ था, विनी मंडेला, उनको वो बिल्कुल इनको अपने बच्चों की तरह साथ रखती होती थी और अब ये उनकी फैमिली का हिस्सा है। तो ये मेरा ख्याल है कि शहबाज चौधरी साहब साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और एक फ्री एम्बेसडर है यहाँ पे। चौधरी साहब थैंक यू। मंडेला का छोटा सा घर है, ये पूरा घर था, इस घर के अंदर वो रहते थे, अब वो बड़ा सा कंपाउंड बना के उसको ऐसा किया गया है कि पूरे कंपाउंड को अब उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया, लेकिन ये एक छोटा सा घर है, बहुत मामूली सा घर है, और इसी घर के अंदर वो रहते थे मंडेला साहब। ये मंडेला साहब का घर था, ये पूरी ज़िंदगी वो यहाँ पर रहे इसी घर के अंदर, और उसके बाद जब वो जेल गिरफ़्तार हुए तो फिर यहाँ से गिरफ़्तार करके उनको ले जाया गया, और उसके बाद वो बाकी ज़िंदगी 27 साल उनकी जेल में गुजरी। जब वो रिहा हुए तो सबसे पहले अपने इसी घर के अंदर वापस आए और उसके बाद वो इसी घर के अंदर रहते रहे। मंडेला के घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये उसकी एंट्री है, ये देखिएगा ये छोटा सा दरवाज़ा, और बहुत छोटा घर है, मेरा ख्याल है कोई 1.5 मरले का घर होगा ये कम्प्लीटली, जिसके अंदर एक लेजेंड रहता है। ओके ओके
ये मंडेला का बेडरूम है और ये बेडरूम है सिंपल छोटा सा, और ये देखिएगा ये बेड है जिसके ऊपर लेजेंड है, कितना बड़ा लीडर। ये उनकी किताबें और वही चीज़ें जो वो इस्तेमाल करते थे नेल्सन मंडेला। अब आप इसमें से देखिएगा ये उनके सर्टिफिकेट्स हैं, ये उनकी डिग्रीज हैं, और ये कुछ गिफ्ट किए गए थे वो हैं। ये उनका पुराना संदूक है जिसके अंदर उनकी चीज़ें हैं, और सामने और ये उनका बेड है छोटा सा, और साथ एक छोटा सा टेलीफोन पुराना पड़ा हुआ है सर। और ये मेरा है हार्डली 8x10 का ये छोटा सा कमरा है जिसके अंदर नेल्सन मंडेला ने ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा साल गुजारे। तो बड़े लीडर्स जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में सिंपलिसिटी होती है, ये याद रखिएगा कि अगर आप सिंपल नहीं हैं तो आप बड़े नहीं हो सकते। सिंपलिसिटी जो है आम आदमी को बड़ा आदमी बनाती है। आप जितने बड़े होते जाएंगे उतने ही आप सिंपल होते जाएंगे, और अगर आप बड़े होने के साथ साथ सिंपल नहीं होते तो फिर आप एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर आपको एक बड़ा आदमी बड़ा इंसान नहीं कहा जा सकता। तो नेल्सन मंडेला क्योंकि जड़ों से लेके सर तक बड़े आदमी थे, तो वो एक इतने छोटे से घर में उन्होंने कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारी, लेकिन पूरी दुनिया उनके पास यहाँ पे आती थी। ये इनकी फैमिली की तस्वीर है जिसके अंदर पूरी फैमिली। ग्रैंडसन के साथ चार नस्लें हैं एक पिक्चर के अंदर। By Mr. Leonard Katete, and he calls it the मंडेला की जवानी की तस्वीर जिसमें अपने कुत्ते के साथ खड़े हैं। और ये उनका लिविंग रूम है एक छोटा सा। ये पूरा घर दो कमरों पर मुश्तमिल है, एक लिविंग रूम है, एक किचन है और एक बेडरूम है, बस ये सारा खत्म हो गया। पीछे एक सेहन है छोटा सा। ये उनकी चेयर है जिसके ऊपर वो बैठते थे, इसीलिए उसको चेन किया हुआ क्योंकि इसके ऊपर बैठ ना सके कोई। और ये उनकी पुरानी पिक्चर्स, पुरानी फोटोग्राफ्स। तो ये सब कुछ अपनी जुबान से, ये पूरा एम्बियंस, पूरा एनवायरनमेंट सब कुछ बोल रहा है। लॉ ग्रेजुएट हुए तो नोबेल प्राइज से लिया उन्होंने। यह एक फीलिंग है नेल्सन मंडेला की। ये वापस आ रहे हैं जेल से बाहर निकलना। अब इस घर में वापस आए हैं। ये वो वाला है, ये मंडेला। तो ये नेल्सन मंडेला का घर खत्म हो गया। इसमें सब कुछ ये देखिएगा, ये अपने घर में आए हैं तो इनके सामने इनका इस्तकबाल किया जा रहा है जिस घर में हम इस वक्त खड़े हैं।